एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? वेलकम टू योर इंग्लिश क्लास। आज हम शुरू कर रहे हैं एक नया चैप्टर आपकी बुक से, लिटरेरी जर्नीज एंड इंग्लिश रीडर प्राइमर बुक बाय ब्रेन रूट्स सीरीज। तो हमारे चैप्टर का नाम है वोवल साउंड ओ। इस चैप्टर में हम ओ साउंड वोवल्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले है ओपी वर्ड्स। ओपी वर्ड्स, कॉप, हॉप, टॉप, मॉप, पॉप, मॉप, ठीक है। नेक्स्ट है ओजी वर्ड्स, जिसके एंड में ओजी आ रहा है। बॉग, हॉग, जॉग, डॉग, फॉग, लॉग। तो ये क्या है? ये ओजी वर्ड्स है जिसके एंड में ओजी आता है। नेक्स्ट हमारे पास है ओएक्स वर्ड्स, जिसके एंड में ओएक्स आ रहा है। फॉक्स, ऑक्स, पॉक्स, बॉक्स, कॉक्स, लॉक्स। तो ये क्या है? ये ओ जी वर्ड्स है, ओ एक्स, सॉरी, रिपीटिंग दैट लाइन, लास्ट लाइन। तो ये क्या है? ये ओ एक्स वर्ड्स है। नेक्स्ट हमारे पास है ओ टी वर्ड्स, कॉट, पॉट, नॉट, रॉट, टॉट, हॉट, डॉट। तो ये सारे क्या है? ये सारे ओ टी वर्ड्स हैं, जिसके एंड में ओ टी आता है। बात समझ आती है सबको? नेक्स्ट हमारे पास है ओ बी वर्ड्स, जिसके एंड में ओ बी आता है। वो कौन से वर्ड्स हैं? बॉब, सॉब, रॉब, मॉब, हॉब, जॉब, मॉब, ठीक है। तो ये सारे वर्ड्स हैं जिसके एंड में ओ बी आता है। नेक्स्ट हमारे पास है डबल ओ, जिनके बीच में डबल ओ आता है, जैसे बुक, कुक, लुक, हुक, मून, सून, नून। तो ये सारे डबल ओ वाले वर्ड्स हैं। रीड अलाउड करेंगे। कॉक, लॉक, मॉक, नॉक, गोट, कोट, बोट, लोट। तो ये सारे हमारे कुछ ओ साउंड के वर्ड्स थे जिसमें ओ यूज हो रहा है। नेक्स्ट इज सिंग अलाउड। पॉपकॉर्न, स्टॉप स्टॉप दैट पॉट इज हॉट, ग्रैब अ लिड, पुट इट ऑन टॉप, देयर इज अ लॉट ऑफ पॉप पॉप पॉप, हॉपिंग पॉपकॉर्न इन दैट पॉप। ठीक है, तो आप देख सकते हो इसके अंदर कितने सारे ओ साउंड के वर्ड यूज हुए हैं। स्टॉप स्टॉप दैट पॉट इज हॉट, grab a lid, put it on top, there's a lot of pop pop pop, hopping popcorn in that pop. बिल्कुल अच्छे। अब हम करेंगे read them aloud। ये कुछ और words हैं, इन्हें भी हमें पढ़ना है। Lose, nose, rose, pose, doze, old, hold, bold, told, fold. तो ये ओ साउंड के वर्ड्स हैं। अब हम करेंगे प्रैक्टिस। अनजम्बल, सबसे पहले देखो आप क्या लिखा है। बी ओ के ओ, बुक को तो कोई वर्ड नहीं होता, पर बुक होता है, तो हम लिख सकते हैं इसको, सही से लिखते हैं बुक। नेक्स्ट आप क्या लिख सकते हैं? कूल। कुक। नेक्स्ट फूल। नेक्स्ट देखिए एच ओ ओ के हुक हो सकता है ना, लिख दें इस तरीके से। नेक्स्ट इज, बताइए अब क्या होगा इसका? वूल होगा, वूल। नेक्स्ट इज लुक, एंड लास्ट इज पूल, राइट। नेक्स्ट इज राइमिंग वर्ड्स। नोज का राइमिंग वर्ड लिखेंगे। नोज का हो सकता है लोज, रोज। ओल्ड का राइमिंग वर्ड लिखेंगे, बताइए क्या होगा? कोल्ड हो सकता है, बोल्ड हो सकता है, आप कुछ भी अपनी चॉइस का लिख सकते हैं। ठीक है, जो जो हमने वर्ड्स पीछे पढ़े हैं उनमें से आप कुछ भी लिख सकते हैं। नाउ सी द पिक्चर्स एंड राइट देयर नेम्स। आपको पिक्चर्स देखनी है और उनके नाम को लिखना है। फर्स्ट इज कॉक, C O C K, cock. Next is B O A T,
boat. Next is lock. L-O-C-K, lock. And last is G-O-A-T. क्या होगा G-O-A-T? बिल्कुल सही, goat. ठीक है, बात समझ आती है सबको? अच्छे तरीके से समझ आया? चलिए, अब हमारे पास इतना ही था इस चैप्टर में. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वन. टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर.